हेलो एंड वेलकम टू बट्टा फास्ट। मैं हूं अमर नकवी, मेरे साथ उस्मान समीउद्दीन। और वर्ल्ड कप T20 के सेमीफाइनल्स की शब लग चुकी है। आज रात इंडिया और इंग्लैंड का मुकाबला होना है, अगर बारिश उसे बख्श दे। और आज रात अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका, कल रात इंग्लैंड और इंडिया, रेन परमिटिंग। जो लग रहा है कि दो बहुत ही मजेदार और पोटेंशियली सनसनीखेज मैचेस हैं, जिन पे बारिश का अभी भी बारिश होने का इम्कान है। बट उसके बावजूद उस्मान, बहुत हमने टूर्नामेंट से पहले दोनों बहुत एक्साइटेड थे कि T20 वर्ल्ड कप्स काफी मजेदार होते हैं। हमने सर्टनली लिव्ड अप टू द हाइप। या एब्सोल्युटली, यू नो, सबसे आई थिंक सबसे जो हार्ट वार्मिंग और अच्छी स्टोरी इस टूर्नामेंट की है, वो अफगानिस्तान की है। टू गेट टू द सेमीफाइनल्स, टू लुक सो गुड शुरू से, यू नो, एक हिकअप हुआ है, आई थिंक इंडिया के खिलाफ हारे थे, बट अदरवाइज दे हैव लुक्ड रियली गुड थ्रू आउट द टूर्नामेंट। उनके बैटर्स रन कर रहे हैं, उनके बॉलर्स विकेट ले रहे हैं। उनकी सबसे अच्छी जो चीज है कि उनका बॉलिंग अटैक इतना वेल राउंडेड बॉलिंग अटैक हो गया। यू नो, बस लेफ्ट आर्म पेस है, राइट आर्म पेस है, लेग स्पिन है, हर किस्म की स्पिन है, मोहम्मद नबी है, यू नो, तो देर लाइक अ प्रॉपर थ्रेट नाउ। ऑल्दो आई डोंट नो, मुझे लग रहा है कि अब उनकी स्टोरी साउथ अफ्रीका की पुरानी स्टोरी के खिलाफ आ रही है सेमीफाइनल में। द चोक इज ऑन। आई डोंट नो, साउथ अफ्रीका की भी अजीब सी कहानी रही है इस टूर्नामेंट में कि हर गेम जीते हैं, लेकिन आई थिंक 7 में से 6 गेम बहुत ही क्लोज और नर्वी किस्म की चीज उनकी हुई है। उनकी बैटिंग इतनी हद तक कोई चली नहीं है, उनकी बॉलिंग चल रही है। हर बंदा उनके बॉलिंग अटैक में, हर बंदे ने विकेट लिए है, क्रूशल ओवर्स कराए हैं, 1-2 अच्छे ओवर कराए हैं। बैटिंग उनकी थोड़ी सी वीक है, तो आई थिंक, आई डोंट नो, टाइट मैच होगा। आई थिंक इट्स अफगानिस्तान्स लाइक मोमेंटम अगेंस्ट साउथ अफ्रीका'स हिस्ट्री और समथिंग, इफ यू वांट टू पुट इट इन लाइक अ हेडलाइन। आई थिंक मुझे जो सबसे ज्यादा मजेदार बात लगी है कि ऐसा भी हो सकता है कि शायद पाकिस्तानियों ने अपनी दुआओं में गलत नाम ले लिया है, बिकॉज अफगानिस्तान ने एसेंशियली एक क्लासिक पाकिस्तान टूर्नामेंट खेला है। कि अदर देन के एक शॉकिंग डिफीट वो नहीं हुई है उनकी, मगर उसके अलावा कि वो इंडिया से बड़े फजूल तरीके में हार गए, उसके अलावा उन्होंने बहुत मजेदार मैचेस खेले। उनके ओपनर जो है वो 6 की औसत पे पता नहीं कोई 15 ओवर खेलते। उनके बॉलर्स आर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और जो सबसे क्रेजी सीन था कि जो पूरा कुदरत का निजाम जो हम लेके फिर रहे होते हैं, द रेन अगेंस्ट बांग्लादेश, कॉमिकल सीन्स भी थे। लाइक आई थिंक यू नो, फर्स्ट स्लिप पे जो गुलबुद्दीन नायब को हम सलूट करते हैं, या द फ्लॉप, एक्सीलेंट फ्लॉप, बहुत मजेदार फ्लॉप था। और ऑब्वियसली आपने ना ही सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी, आपने ऑस्ट्रेलिया को ऐसे अखाड़े में जाके छोड़ा है कि वो लोग नेट रन रेट कैलकुलेट कर रहे हैं और मिच मार्श गो बांग्लादेश कह रहा है। मतलब आई फील अफगानिस्तान शुड बी गिवन अ ट्रॉफी जस्ट फॉर दैट, कि आपने ऑस्ट्रेलिया को ये दिन दिखाए, दैट्स अमेजिंग। ये जो पाकिस्तान की कंपैरिजन कर रहा है ना, एक हद तक सही है कि आपके दो एंकर बैटर्स टॉप पे गुरबाज और इब्राहिम जदरान हो गए, और फिर आपकी बॉलिंग एलीट बॉलिंग लेवल्स, लेकिन एक जो फर्क है ना, वो इस टूर्नामेंट में अफगानिस्तान ने अपना तकरीबन, आई थिंक जो जीत उनकी हुई है, मैं देख रहा था अभी कितने मैचेस उनके, 4 out of Afghanistan's 5 wins have come batting first. Actually, they're a great defending side. उन्हें थोड़ी सी लक मिली है कि पिचेस अच्छी मिल गई हैं for their attack, but you know they have an attack that covers everything. So I feel that was why I was making that Pakistan analogy, कि आपके पास बहुत कम T20 sides होती हैं जो probably prefer करें कि they can attack with their bowling. You know, ज़्यादातर का जो agenda होता है in any form, international or franchise, is कि you have enough runs or you can bat well enough कि आप कोई भी target chase down कर लें. And I think इस पे तो हमने stat deep dive नहीं किया है, नजर आता है कि tournaments में, whether it's ODI or whether it's T20, teams के runs गिर जाते हैं, but ये जब होता है कि थोड़ा सा वेदर और थोड़ी सी पिचेस की वजह से, व्हेन द बॉलर्स कम इनटू प्ले, दैट
आई फेल्ट वो समथिंग दैट पाकिस्तान इज वेरी गुड एट, दैट्स समथिंग अफगानिस्तान इज ब्रिलियंट एट. लाइक उनके आप पाकिस्तान स्पिनर्स हमेशा से ही अच्छे थे, बट अब जो उनकी पेसर्स नवीन एंड फजल हक टेकिंग अ लॉट ऑफ विकेट्स, होल्डिंग देयर नर्व्स, लाइक दे हैव, आई लव वॉचिंग दम. बैटिंग में वो बहुत ज्यादा पाकिस्तान की फ्लैशबैक्स देते हैं अंटिल राशिद स्टार्ट्स हिटिंग यार, सिक्सेस. मगर बैटिंग में भी यू नो इवन इन द वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप में भी उनकी टेम्पलेट यही थी कि आप या सिंपल बैटिंग करें, स्मार्ट बैटिंग करें. यू स्मार्ट एंड एंड यू नो दैट्स बीन वन ऑफ द थिंग्स दैट आई हैव लव्ड अबाउट अफगानिस्तान, दैट देयर इज स्मार्ट T20 साइड उनका. आपको दे नो देयर प्लान, दे नो देयर बेस्ट वे ऑफ प्लेइंग. उनके जो प्लेयर्स हैं 7 या 8 उनके जो फर्स्ट 11 के प्लेयर्स हैं आईपीएल में खेल चुके हैं इसी साल. तो यानी यू नो देयर वेरी वेल ग्रूम्ड एंड वेरी लाइक टॉप ड्रॉअर काइंड ऑफ टीम. लोग अगर ये गलती कभी ना करें कि अफगानिस्तान एक कोई मिनो साइड है या एसोसिएट, एक तो फुल मेंबर है लेकिन दे आर एन एलीट वाइट बॉल साइड. दे बिकमिंग आपके ओडीआई वर्ल्ड कप में देखा उनकी परफॉर्मेंसेस, कंडीशंस अगर सही उन्हें मिले, एंड समटाइम्स नॉट इवन अगर कंडीशंस आपके सही मिले बिकॉज देव गॉट एन ऑल वेदर बोलिंग अटैक. मगर द थिंग दैट आई वांटेड टू फोकस ऑन ना वाज दैट गुलबुद्दीन नायब मोमेंट. एंड आई थिंक यार जितनी लोगों की उससे हटी है ना कि यार ये किस तरह का ड्रामा कर रहा है, ये तो बॉलीवुड में से रोल दे दो, ये कर दो, ये एकदम अनफेयर प्ले, ये वो है, दैट होल सीक्वेंस इज लाइक ब्यूटीफुल. शुरू जो जॉनाथन ट्रॉट से शुरू होता है कि जॉनाथन ट्रॉट साइडलाइन पर खड़े में वो देख रहे हैं कि बारिश होने वाली है तो स्लो डाउन स्लो डाउन स्लो डाउन ऐसे खेले हुए रेड ऑन DLS, और फिर कैमरा पैंस टू गुरबदीन यार. एंड like if there is an all time like faking injury performance ever, I think tumhe agar yaad hai Ahmed, tum to mashallah bacche ho gaye none pone se golu molu se bacche ho gaye 2002 world cup mein, magar Rivaldo ko I think opening match mein Rivaldo yaad hai, Rivaldo ko jo kisi ne ball mari thi use lagi yahan pe aur wo aise karke gira to wo jo This was like that level. कि ये अचानक से ओ कहा मुझे एकदम अजीब सा. और ये एक और फैसेट है जिसमें अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को आउट परफॉर्म कर दिया, बिकॉज हमारा बेस्ट जो है रिजवान है, और वो भी यू नो समटाइम्स आई एक्टिंग समटाइम्स आई क्रैम्पिंग करता है वो भी, ही इज लाइक अ डिफरेंट लेवल. लेकिन कल जो गुलबुद्दीन ने करा है ना वो एक यानी सिखा दिया यार कि अगर मास्टर क्लास तुम्हें चाहिए किस तरह से फेक एक्टिंग करनी है तो ये सीन है. लाइक डोंट डोंट बी सटल एंड नुएंस के यार मुझे अच्छा कुछ हो रहा है, लाइक नो जस्ट ग्रैब योर हैमस्ट्रिंग एंड फॉल द हेल बैकवर्ड्स, बस खत्म. देन आफ्टरवर्ड्स लाइक आफ्टरवर्ड्स ट्रोलिंग पीपल अबाउट इट आल्सो ऑन सोशल मीडिया बाय द वे. अश्विन को कोट ट्वीट कर रहा है कभी खुशी कभी गम. अपने अपने फिजियो के साथ तस्वीर खिंचवा रहा है, कह रहा है कि ओ माय मैजिशियन एंड ऑल दिस, लाइक एब्सोल्यूट लेजेंड. बिकॉज लिटरली आफ्टर इट रेन, कोई बारिश कोई 5 मिनट की हुई होगी या कुछ, उसके बाद से उसने ओवर कराया है, जबरदस्त ओवर कराया है रनिंग इन, फिर जब जीते हैं तो रनिंग अराउंड द फील्ड लाइक क्रेजी. इट वाज जस्ट आउटस्टैंडिंग फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश द होल थिंग. के यू नो नॉट ओनली आर दे स्मार्ट, दे आर टेकिंग द पिस एंड दे आर विनिंग. दैट इज लाइक द बेस्ट थिंग, द थ्री कॉम्बोज, यू नो दे आर स्मार्ट, दे आर टेकिंग द पिस एंड दे आर विनिंग. उसमें भी उन लोगों ने स्मार्ट खेला था बाय द वे टू कीप देयर नेट रन रेट लाइक ओके सो दैट it could come and help them later in the day, you know, which it did, which is exactly the kind of thing you will not expect Pakistan to do. You know, even agar Pakistan karna chahega, wo kar nahi payega, ya to wo sochega nahi. Nahi yaar, net run rate to baad ki cheez hai, wo details hum log baad mein kar lenge. Like, contract sign kar do, jo usme bottom line, jo actual small picture details hain, wo chhod do. Mujhe sabse zyada jo khushi hui na, maine tweet bhi kara tha, Afghanistan ke bare mein sabse zyada khushi hui Mohammad Nabi ke liye hui hai. Because yaar, agar क्रिकेट में इस बंदे की जैसी किसी की करियर है ना तो मैं नहीं जानता किसकी. यानी जिमी एंडरसन इज रिटायरिंग दिस समर, 20 साल उसने खेले इंग्लैंड के लिए, विच इज लाइक इन इटसेल्फ अ फीट, 20 साल एज अ फास्ट बॉलर. लेकिन मोहम्मद नबी ने 20 साल खेले हैं एज एन अफगानिस्तान प्रोफेशनल क्रिकेटर. लाइक यू कैन नॉट टेल मी दैट दोज आर द सेम थिंग्स. लाइक मोहम्मद नबी की जो करियर हुई है, कहाँ कहाँ मोहम्मद नबी ने खेला है डोमेस्टिक क्रिकेट. पाकिस्तान में मोहम्मद नबी ने एबीएन एमरो कप खेला है, उसने ग्रेड टू कायदे आजम ट्रॉफी खेली है पाकिस्तान में, पेशावर में वो बड़ा हुआ है, उसने खेली वहां पे, क्रिकेट सीखी है, फिर उसने अफगानिस्तान में खेला है, उसने डोमेस्टिक क्रिकेट कहाँ कहाँ नहीं खेली. इंडिया उसका इंडिया होम ग्राउंड रह चुका है,
यूएई होम ग्राउंड रह चुका है, पाकिस्तान होम ग्राउंड रह चुका है, ही हैज प्लेड इन लीग्स अराउंड द वर्ल्ड, उसका बेटा अब खेल रहा है, लाइक उसका बेटा प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहा है, वो इतना बड़ा हो गया है मोहम्मद नबी, उसके साथ क्या क्या नहीं हुआ, उसने क्या क्या देखा है, उसने कप्तानी करी है, वर्ल्ड कप्स में खेला है, मैचेस बुरी तरह से हारा है, जीता है, बट लाइक हिज जर्नी, दैट गाय इज वर्दी ऑफ लाइक अ प्रॉपर बायोपिक बाय द वे, मोहम्मद नबी, उसकी जो जिंदगी है, उसकी जो करियर है ना, आप सोचो यार, आपने अपनी मुल्क की इंटायर क्रिकेटिंग हिस्ट्री ना सिर्फ देखी हो या सीखी हो, आपने खेली हो, पूरी हिस्ट्री इसने खेली है, जहां भी आप देखें अफगानिस्तान की राइज शुरू से एकदम, वो हर हर एक उनके स्टेप पे, एवरी एवरी स्टेप ऑफ द वे ही इज बीन विद देम, एंड इट्स लाइक फॉर हिम, इफ नोबडी एल्स इन अफगानिस्तान, फॉर हिम लाइक आई जस्ट कांट बी हैप्पी इनफ, बिकॉज द गाय इज एन एब्सोल्यूट हैंड्स डाउन लेजेंड, ही हैज हैड थ्री होम्स, यूएई हैज बीन अ होम फॉर अफगानिस्तान इन हिज होम इन हिज टाइम, पाकिस्तान हैज बीन अ होम, एंड इंडिया हैज बीन अ होम, वे लाइक रिमार्केबल, उसका अपना जो घर है, एक्चुअल जो घर है अफगानिस्तान, वो वहां उसने कभी नहीं खेला इंटरनेशनल मैच, लेकिन उसके तीन मुल्क हो चुके हैं, वो बहुत ही बेसिक फंडिंग पे, अभी तो यू नो अफगानिस्तान 2017 में फुल मेंबर बना है आईसीसी में, और उसके बाद भी उन्हें जो पैसे मिलते हैं कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द फुल मेंबर्स बहुत कम है, और फिर बीच में पैसे रुक भी गए थे व्हेन द तालिबान टुक ओवर, उस सब एनवायरमेंट में उसने जो अपनी करियर बनाई है, इट इज एब्सोल्युटली लाइक इट्स अ लाइक अ जायंट फिगर, आप अगर सोचो, यू नो हम लोग कहते हैं कि लोग, पीपल वॉच हिस्ट्री, पीपल लर्न फ्रॉम हिस्ट्री, ही हैज बीन लाइक एक्टिवली क्रिएटिंग हिस्ट्री, लाइक इन व्हाट ही इज डन, ही हैज बीन पार्ट ऑफ दैट राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ हिज कंट्रीज जर्नी टू यू नो टू वेयर दे आर नाउ, मोहम्मद नबी हैज बीन देयर एवरी स्टेप ऑफ द वे, एंड लाइक एब्सोल्यूट फिनोमिनल जायंट, ही इज a shoe-in for the Hall of Fame, like absolute shoe-in for any Hall of Fame anywhere, as one of the most remarkable modern sporting careers. You know, कहाँ यार 2003 में जब इसने क्रिकेट शुरू करी थी प्रोफेशनली खेलना, उससे पहले सोचो 9/11 हुआ था अफगानिस्तान पे, उसके बाद क्या हुआ था हम सबको मालूम है, we were next door, you know, we know what happened to Afghanistan after 9/11. इसने उस वक्त, इस बंदे ने अपनी करियर शुरू करी है, और उस दिन से लेके इस दिन तक वो खेल रहा है, ना उसकी स्टैंडर्ड्स में कोई ड्रॉप आई है कि कभी वो ड्रॉप हो, अब उसका बेटा खेल रहा है प्रोफेशनल क्रिकेट, अभी भी वो लगता है मोहम्मद नबी मुझसे और तुमसे ज्यादा जवान लगता है वो बंदा, यू नो अभी भी खेल रहा है, लाइक ही इज एन एब्सोल्यूट, लाइक ही इज गॉट टू बी किसी भी कॉन्वर्सेशन में ना, एंड आई डोंट केयर कोई बोले कि टेस्ट नहीं खेले, इसने कम खेले हैं, या इनके खिलाफ खेला, उनके खिलाफ खेला है, टॉप 10 ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ ऑल टाइम में अगर मोहम्मद नबी का नाम ना होना, तो मैं तो प्रोटेस्ट पे चल रहा हूँ, मैं धरना कर दूंगा इस्लामाबाद पे, कि अगर इसका नाम टॉप 10 में नहीं आता है ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ ऑल टाइम, एब्सोल्युटली फिनोमिनल। और जब हमने ये बात शुरू की थी कि मतलब 2024 की T20 क्रिकेट में जहाँ कोई भी राइट आर्म बैटर्स के खिलाफ ऑफ स्पिन नहीं कराता है, वहां ये बंदा विराट और रोहित के खिलाफ पावर प्ले में ऑफ स्पिन करा रहा है, and it speaks to the fact ke abhi bhi he is a very valuable franchise T20 player, usne bahut zyada kamyabi dekhi hai, aisa nahi hai ki jeev jo hai token khiladi wo khiladi, no, not at all, integral side of title winning franchises across the world to this day, he is a very valuable player. aur jo mujhe sabse jo amazing baat lagti hai, hum log yahan pe itni guftugu karte hain ki jeev aapki toxic work environment hai PCB ke andar ya structural imbalance है, stability नहीं है, ये है वो है, and I agree, like I am the ones making those points. मगर आप compare करें what Nabi has had to go through, जहाँ पे मतलब आपके मुल्क ही stable नहीं है, इतना violence, इतना ज़्यादा violence चल रहा है, आप constantly you're moving from one place to another, there is hostility at the board level, within the board, with other boards, with other teams, और उस सब में उसने खुद भी went from being captain, transitioned perfectly into being a senior player, जो सारे ना सिर्फ पाकिस्तान साउथ एशियन क्रिकेट के जितने pitfalls होते हैं with ex players, with ex captain, sorry, with like senior players in the dressing room वगैरह, नबी has been incredible, क्योंकि उसने जब अपना करियर शुरू किया था, जैसे हम बात कर रहे हैं कि उस वक्त अफगान खिलाड़ी तकरीबन सारे वो थे जो पाकिस्तान में पले बड़े थे, उन्होंने क्रिकेट वहां खेली थी, एंड नाउ द न्यू जनरेशन इज गाइस हु ग्रू अप इन अफगानिस्तान, एंड नबी इज वन ऑफ दोस लिंक्स फ्रॉम दैट होल हिस्ट्री ऑफ अफगान क्रिकेट, एंड ही इज देयर नॉट अगेन नॉट के सीनियर है तो खिलाए जा रहे, ही इज अ जेन्युइनली वैल्यूएबल क्रिकेटर even at this day and age when his own son is now starting to play cricket, what's a LeBron level
longevity हाँ and वही reason मैं कह रहा हूँ, is he should be regarded in that level of like achievement, especially for the odds that were stacked against him throughout and still are continue to be stacked against him. अभी तक अफगानिस्तान को इतने कम पैसे मिलते हैं, ये सब बाहर रहते हैं, यूएई में रहते हैं आधे प्लेयर्स इनके, इसने अपनी करियर बनाई है इसका, मोहम्मद नबी का एक जमाने में वालिद किडनैप हो गया था बाय द तालिबान, लाइक इमेजिन हैविंग टू लिव थ्रू दैट ऑर्डियल, तो ये इसकी लाइफ स्टोरी है. और इसने अभी भी पिछले दिन रोहित शर्मा और विराट कोहली के खिलाफ पावर प्ले में 3 ओवर करा दिए, एक भी बाउंड्री नहीं कंसीड करी, लाइक ये इस बंदे का लेवल है. सो दैट वे लाइक मोहम्मद अभी वट एवर हैपन्स, अफगानिस्तान जीते ना जीते, आगे जाके जीते, मोहम्मद अभी और खेलता रहे, द गाय एब्सोल्यूट सल्यूट, लाइक वन ऑफ माई फेवरेट, बट ऑल्सो वन हु हैज अर्न्ड लाइक माई अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर द करियर दैट ही इज बिल्ट फॉर हिमसेल्फ. 100%. आई थिंक अब हम बात क्योंकि कर रहे हैं मोहम्मद नबी के, खास तौर पे उसने किस तरीके से अपनी स्पिन बॉलिंग को अभी भी एक वेपन के तौर पे बरकरार रखा है. आई फेल्ट कि इनके जो अपोनेंट्स हैं साउथ अफ्रीका, जिनसे मुझे कभी भी किसी टूर्नामेंट में उम्मीद नहीं होती है, बहुत बड़ी वजह यही होती है कि वो ग्रुप स्टेजेस में एक बड़ी डोमिनेंट साइड है और फिर जब एक्चुअल नॉकआउट आता है तो वो फट जाती है. व्हाट आई हैव बीन रियली इंप्रेस्ड बाय इज कि साउथ अफ्रीका एडन मार्कम के अंदर जी ना ही सिर्फ स्पिन से बॉलिंग ओपन कर रहे हैं, मतलब 4 लगातार ओवर पावर प्ले में स्पिन के कर रहे हैं. दे हैव नॉट बीन अ टिपिकली डोमिनेंट साउथ अफ्रीका साइड, बट बीन अमेजिंग इज दैट दे कीप विनिंग क्लोज मैचेस, व्हिच अगेन इज साउथ अफ्रीका के साथ आप कभी भी एसोसिएट नहीं करते. मुश्किल में एक दो तो वो जीत जाए, बट हाँ लगातार क्लोज मैचेस जीतना इज वेरी अन साउथ अफ्रीका. एंड उस तरीके में इनका सेमीफाइनल में पहुंचना, आई थिंक अगर टूर्नामेंट से पहले मुझे कोई कहता कि साउथ अफ्रीका पहुंच जाएगी सेमीफाइनल, आई वुड लाइक हु केयर्स, दे आर गोना लूज एनीवेज, एंड दे स्टिल माइट, बट आई एम जेन्युइनली आई थिंक दिस इज फॉर मी द मोस्ट इंटरेस्टिंग साउथ अफ्रीका साइड इन अ टूर्नामेंट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. इट्स नॉट वेरी एक्साइटिंग और फन टू वॉच, बट इट सीम्स टू बी अनलाइक प्रीवियस साउथ अफ्रीका साइड्स कि इट कैन विन इन मोर देन वन वे. जहां पहले आपको नजर आता था कि उनके वो प्लान ए और बी इतना पक्का होते थे कि अगर वो थोड़े से भी हिलते थे तो दे रियली वर क्लूलेस. व्हाट आई फाइंड इंटरेस्टिंग इज दैट दिस साउथ अफ्रीका साइड, एटलीस्ट इन दिस टूर्नामेंट सो फार, जब उनके ऊपर कोई नया सवाल उठता है तो उसका जवाब ढूंढने में कामयाब जवाब है. होता है. ओके एक्चुअली तुम कह रहे थे ना कि दे आई हैव एक्चुअली फाउंड देम क्वाइट एक्साइटिंग टू वॉच, प्राइमरीली बिकॉज उनकी बॉलिंग जो है ना इट कवर्स एवरी एंगल दैट यू कुड वांट. उनके पास एक्सट्रीम पेस है नोखिया का, एंड ही इज लाइक ऑन दीज पिचेस स्पेशली, जहां पे आईपीएल पिचेस नहीं है उसकी पेस का वाकई में एक एडवांटेज होता है. नोकिया का पेस है रबाडा ऑल टाइम, शायद उसके T20 नंबर्स इतने स्पेशल नहीं है, बट वी आर ओनली कंपेयरिंग हिज T20 नंबर्स टू हिज ओन नंबर्स इन अदर फॉर्मैट्स, एंड ही इज एन ऑल टाइमर रबाडा एब्सोल्युटली. फिर उनके पास मार्को यानसन, हु अंटिल 2 years अगो वाज स्टिल वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग यंग क्रिकेटर्स टू बी गोइंग अराउंड. यानसन के अलावा फिर जो इनकी स्पिन ऑप्शंस है ना, लाइक महराज और शमसी जो आ गए हैं, ऑन दीज सर्फेसिस दे हैव चेंज द नेचर ऑफ देयर अटैक. दे हैव रियली, महराज एक गेम जिता चुका है इनके, इन्हें बांग्लादेश के खिलाफ एक बहुत ही क्लोज गेम जिताई थी. शमसी हैज बीन पिकिंग अप विकेट्स, तो ये इनका. और एक एक्चुअली इवन अनदर ग्रेट स्टोरी इज बार्टमन, जो इनका बॉलर आया है जो बहुत सालों से खेल रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट, और ही कम्स फ्रॉम अ बैकग्राउंड ऑफ नथिंग, लाइक सिवियर डेप्रिवेशन, बट ही इज कमिंग टू द टीम एंड ही इज वन देम लाइक 2 क्लोज गेम्स बाय बॉलिंग एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट फाइनल ओवर्स इन दोज गेम्स. उसे ड्रॉप भी करा था व्हेन दे वर ट्राइंग टू ब्रिंग इन एन एक्स्ट्रा स्पिनर, और फिर इंग्लैंड के खिलाफ ही ऑलमोस्ट लॉस्ट देम द गेम बिकॉज ही बॉल्ड अ टेरिबल ओवर जहां पे फुल टॉस को मारा था. लेकिन दे हैव ऑलवेज हैड समबडी. उस गेम में आई थिंक यानसन बोल्ड अ ग्रेट 19th ओवर, रबाडा ने एक अच्छा ओवर पिछली गेम में कराया. दे हैव ऑलवेज हैड समबडी, व्हिच इज रियली नाइस टू सी इन साउथ अफ्रीका. नॉट के वो हर पहले भी इनकी टीम एथिक स्ट्रांग होती थी हमेशा, मगर उनका हर प्लेयर होता था राइट आर्म फास्ट मीडियम बैटिंग ऑलराउंडर, सो इट वाज दैट काइंड. व्हेयर इज दिस टाइम दे गॉट डिफरेंस, तो ऊपर से क्विंटन डिकॉक रन मार रहा है, व्हिच इज ग्रेट टू सी ऑलवेज. क्विंटन इज लाइक अ मैग्निफिसेंट प्लेयर. फिर बैटर्स में इतने सारे कोई इतना कोई सक्सेस नहीं हुआ, रिजा हेंड्रिक्स हैज बीन नॉट ग्रेट एट ऑल, मगर एक दो इनिंग्स में ट्रिस्टन स्टब्स ने रन बना लिए. डेविड मिलर इज लाइक एन आउटस्टैंडिंग फिनिशर हु हैज बीन डूइंग रियली वेल थ्रू आउट द टूर्नामेंट. तो द होल थिंग हैज काइंड ऑफ कम टुगेदर
really well, led very well by Markram. I've got to say, like, Markram की कैप्टनसी, आई थिंक, यू नो, अंडर 19 का भी कैप्टन रह चुका है. आई थिंक देयर टीम वन द 20, उसकी टीम थी जो 2014 अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था, जिसमें रबाडा पहली बार आया था. आई थिंक मार्करम वाज कैप्टन इन दैट. तो यू नो, ही इज कम थ्रू हिज SA20 एक्सपीरियंस, IPL एक्सपीरियंस, एंड हिज फ्लेक्सिबिलिटी इन यूजिंग बोलर्स हैज रियली, लाइक, आई थिंक पुट. सो एक्चुअली क्वाइटली, आप अगर यू नो 10 साल बाद साउथ अफ्रीका के रिकॉर्ड इस टूर्नामेंट देखें, 7 जीत लगातार और एक अगर हार हो जाती है सेमीफाइनल या फाइनल में, तो आप फिर से शायद वही सोचें कि यार ये फिर से वो चौके आ गए. बट एक्चुअली नो, लाइक यू वर सेइंग, यू नो, दे हैव गॉन अगेंस्ट टाइप इन दैट दे वन सिक्स, फाइव और सिक्स क्रंच फिनिशेस दे हैव एक्चुअली वन लास्ट ओवर में जाके. मार्करम के एक्चुअली द टू थिंग्स दैट विल स्टैंड बाय मी फॉर एवर एंड एवर इज द फील्डिंग. एडियन मार्करम के कैचेस, 2 कैचेस बाउंड्री पे, एक बांग्लादेश के खिलाफ जो महमूदुल्लाह को उसने कैच पकड़ा था महाराज किश बॉलिंग पे, राइट ऑन द बाउंड्री रनिंग फ्रॉम लॉन्ग ऑन, इट्स लाइक सुपर्ब कैच, मेड इट लुक सो इजी बाउंड्री पे पकड़ा उसने. और फिर इंग्लैंड के खिलाफ जो उसने रनिंग ओवर हिज हेड लास्ट ओवर में जो कैच पकड़ा था, लाइक दे चेंज दोज गेम्स कंप्लीट, दे वन दोज गेम्स अल्टीमेटली. एंड यू नो दैट वेंट बैक टू द टाइम ऑनर्ड साउथ अफ्रीका थिंग. आई थिंक जॉस बटलर ने कहा भी कि यार एक चीज आपको साउथ अफ्रीका के बारे में मालूम है कि उनका ट्रेडिशन फील्डिंग का जो है ना, एक्सलेंट फील्डर्स एंड कैचेस ऑल थ्रू द इयर्स, वेदर इट्स जॉन्टी रोड्स और एबी डिविलियर्स और हूएवर, हमेशा से रहा है. एंड मार्करम प्रूव्ड, एंड अगेन आई थ्रो दिस एज अ डिग टू द पाकिस्तान क्रिकेट टीम, कि आप अगर इन तरह के कैचेस पकड़ते हैं ना रेगुलरली, नॉट जस्ट कि इक्का दुक्का एक साल के लिए कर लिया, 2 साल के लिए कर लिया, स्टीव रिक्सन कोच आया तो उसके अपने दौर में कर लिया, आपको ये एज अ ट्रेडिशन, एज अ लेगेसी, आपको हर बंदे को आके हर जनरेशन में शादाब खान होना है फील्डिंग में बेसिकली. दैट्स द काइंड ऑफ कैचेस दैट एडन मार्करम टुक, एंड ही वन लाइक 2 crunch games फॉर हिज साइड बिकॉज ऑफ दोस कैचेस. इट्स लाइक द बॉटम लाइन इज ही वन दोस गेम्स, यू नो, फ्रॉम दोस कैचेस. सो दे विल बी रियली गुड टू वॉच एक्चुअली फॉर मी. कैचेस के मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा है, क्योंकि ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका की कैचिंग, यू नो, आई थिंक मे बी हिस्टोरिकली ओनली ऑस्ट्रेलिया कैन राइवल देम. जो फील्डिंग की लेगेसी है, पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका की फील्डिंग तक पहुंचने के चांसेस उतने ही है कि अगले 5 साल में पाकिस्तान में वाइन बनने लगे जो फ्रांस की वाइन से बेहतर हो. ये वो लेवल है. मगर जो मुझे चीज लगी थी कि एक तो इन्होंने आई थिंक इंग्लैंड वाले मैच में और वेस्ट इंडीज वाले मैच में, इनमें से एक में दे ड्रॉप लाइक 4 कैचेस, आई थिंक इट वाज द वेस्ट इंडीज मैच, व्हिच साउथ अफ्रीका की टीम जब ऐसे करने लगती है, जब वो कैच ड्रॉप करते हैं, मिसफील्ड लगती है, यू नो देयर पैनिकिंग एंड दे हैव अ लॉन्ग रिकॉर्ड ऑफ पैनिकिंग. और सिमिलरली की वजह से जैनसन वाला ओवर था कि जी आपने एक मैच था आपके काबू में था और एकदम से आपने इतना घटिया ओवर कराया कि अब लाइक दैट मैच आफ्टर द जैनसन ओवर दे शुड हैव लॉस्ट. द फैक्ट दैट दे ब्रॉट इट बैक एंड वन दैट गेम अगेंस्ट इंग्लैंड वाज फ्रैंकली क्वाइट इनक्रेडिबल और फ्रैंकली वेरी अन साउथ अफ्रीकन. आई फील के साउथ अफ्रीका के खिलाफ वही जो मैं बात कर रहा हूँ कि एक दफा अगर आपने उनको धक्का दे दिया ना, एक दफा वो लड़खड़ाने लगे, तो दे नेवर सीम टू बी एबल टू फाइंड देयर फुटिंग अगेन. दैट्स व्हाट आई हैव बीन रियली इंप्रेस्ड बाय दिस साइड, कि देयर हैव बीन दीस 3 matches, 4 matches जहां पे लगा कि यार ये साउथ अफ्रीका यहाँ से वापस नहीं आता, और they've managed to find a way and you know unke talent pe kabhi kami nahi rahi hai, but unki execution ka masla raha hai. This is I think the most interesting tournament South Africa side I've seen in my lifetime, maybe 92 ke baad se. Yeah, 100% mukhtalif South African team rahi hai. But that's the first two semi finalists and I think the most interesting semi finalists. The boring big three members thankfully will be playing against each other. एक ये भी अंदेशा है कि बारिश हो जाएगी, and if that happens, then India will qualify. You can send in all your conspiracy theories in the comments below. मगर I think India, you know, उनका बहुत अरसे से और खास तौर पे अभी तो यही चल रहा है कि for them the tournament really the group stages are a formality. Like they're just you know the मतलब शादी से पहले जो माइयों और मेहंदी लगाई और ऐसे फंक्शन होते ना, ये वो सब है. लाइक द होल थिंग मेक्स और ब्रेक्स ऑन व्हाट दे डू इन अ नॉकआउट मैच एंड प्रोबेबली व्हाट दे डू इन द फाइनल. मतलब वो सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल पे भी जो है आराम से ही गुजर जाते हैं.
And then they're playing against an England team, which incredibly was looking like they'd been knocked out in the first round. ऑस्ट्रेलिया से बड़ी आसानी से हार गए. स्कॉटलैंड वाले मैच में बारिश हो गई थी. स्कॉटलैंड वाज लुकिंग रियली गुड एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ यू नो हैंड रिंगिंग कि क्या होगा इंग्लैंड का. बट देव रियली लाइक आई थिंक फॉर मी जिस तरीके से उन्होंने वेस्ट इंडीज को तबाह करके हराया था दैट वाज व्हेन आई वाज लाइक ओह ओके दिस इंग्लैंड साइड इज क्वाइट सीरियस. लाइक आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग वेस्ट इंडीज टू नॉट मेक द सेमीफाइनल्स पर्टिकुलरली द वे दे लॉस्ट टू इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका. हाँ या यू नो इंग्लैंड का वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो जीत थी दैट वाज बिग. मुझे जो डर लगना शुरू हुआ है ना वो थोड़ा बहुत अभी जो बटलर ने जो एंड इट वाज ओनली द यूएसए अगेंस्ट हुम ही प्लेड दैट इनिंग्स, बट बटलर ने जिस तरह से खेलना शुरू करा ना, जो बटलर इस फॉर्म में आ जाता है इस तरह की बैटिंग करना शुरू करता है देन ही कैन लाइक रन द टूर्नामेंट ऑन हिज ओन इफ ही वॉन्ट्स. एंड आई थिंक जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज, दो तीन इंटरेस्टिंग चीजें हैं इस मैचेस में, बट द मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज इस सेमीफाइनल के बारे में है कि जो पिछला सेमीफाइनल उन्होंने खेला था 2022 के वर्ल्ड कप में, सो इन ऑस्ट्रेलिया जो इंग्लैंड जीता था, इंग्लैंड बीट इंडिया इन दैट सेमीफाइनल टू गेट टू द फाइनल. इंग्लैंड बीट इंडिया सॉरी. और उसमें जो सबसे बड़ी जो चीज थी ना वो ये थी कि इंडिया ने अपनी बैटिंग में बहुत सारे रन छोड़ दिए थे ऑन द फील्ड. जो 2022 का जो सेमीफाइनल था उसमें आई थिंक इंडिया लेफ्ट अ लॉट ऑफ रन. दैट वाज द क्रिटिसिज्म वाज कि इंडिया ने बहुत सारे रन पिच पे छोड़ दिए थे. दे गॉट आई थिंक 168 और समथिंग. रोहित हिमसेल्फ गॉट 27 और 28. उसके बाद से इंडिया का लिमिटेड ओवर्स में चेंज आना शुरू हुआ है. अभी मुकम्मल तौर से खत्म नहीं हुआ है वो चेंज, वो ट्रांसफॉर्मेशन, मगर वो चल रहा है. और इस अभी जो पिछले मैच में जो ऑस्ट्रेलिया को हराया है इंडिया ने, उसमें जो रोहित ने बैटिंग करी है ना, आई थिंक दैट इज द इनिंग्स, लाइक दैट इज द डेफिनेटिव इनिंग्स ऑफ दिस रोहित एरा. जो रोहित में चेंज आया है, जो वो 2 साल से आई थिंक ही इज बिन शोइंग दैट इंटेंट. यू नो वर्ल्ड कप उसने खेला, ऑल्दो दैट्स अ डिफरेंट फॉर्मेट, मगर उसने जिस तरह से वर्ल्ड कप खेला है, जिस तरह से उसने पावर प्ले में बैटिंग करी है इंक्लूडिंग इन द फाइनल, जिसके बाद से जब वो आउट हुआ तो पूरा यू नो इंडिया एकदम गिर गया था उसके बाद से. आई थिंक उस एरा की जो डेफिनेटिव इनिंग्स है वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी आई थी. 92 of 41 आई थिंक, या 91 of 42 आई एम नॉट श्योर. एंड टुक स्टार्क फॉर 29 इन एन ओवर. 4 sixes. Stark has never been hit for that much in a single over, or never had that many sixes hit off him in a match, in a T20 match anywhere. ये जो था ना, this was like Rohit saying, this is the way we are going to play, and this is the way he... The thing is, it's come right at the end of the Rohit Dravid era. Dravid इस टूर्नामेंट के बाद नहीं रहेंगे कोच. रोहित अगर और आगे खेलता है T20, we don't know yet. He might want to stay on. We don't know. Might depend on how they go in this tournament. मगर वो जो एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गई ना, अब इंडिया के पास बैटर्स हैं लाइक शिवम दुबे, लाइक पांड्या व्हेन ही स्कोरिंग रन्स, लाइक ऑफ कोर्स ऋषभ पंत. यू नो दीज आर गाइज हु प्ले इन दिस काइंड ऑफ वे दैट रोहित एंड द्रविड वांट देम टू प्ले, व्हिच इज द मॉडर्न वे ऑफ प्लेइंग T20, द मॉडर्न वे ऑफ बैटिंग इन T20s. द ओनली वन हु हैजंट परफॉर्मड इन दिस टूर्नामेंट, आई वोंट से दैट ही हैजंट कन्वर्टेड टू दैट फिलोसफी, बट द ओनली वन हु हैजंट परफॉर्मड इन दिस टूर्नामेंट हैज बीन कोहली, जिसके लगातार फेलियर्स आ रहे हैं. मगर एक्चुअली as Monga was pointing out to me the other day, it's probably good because you know he's allowed other batters to come in early. Wo khud out ho gaya hai jaldi aur dusre batters aa gaye hain. And you know that's the thing about this, exactly the thing about this kind of batting is ke itna fark nahi padna chahiye. Kohli ko koi itni fikr nahi hogi ki yaar main batting, mere run nahi ban rahe hain, meri jagah team mein risk pe aa gayi hai, kuch nahi usse fark nahi. Usse ye pata hoga ki yaar main out ho raha hu, chalo theek hai, mere baad batters aa rahe hain aise who can take advantage of the situation. And so, you know, India, एक तरह से India have caught up to what England was doing back then. You know, और England की team अभी भी उसी तरह से खेल रही है, वही power उनके पास है. दो जो added advantages that maybe cancel each other out, दोनों side को जो है ना, वो England के लिए, and you can talk a bit about this, वो England के लिए Jofra की return, वो पिछले उस match में नहीं था. और India के लिए Bumrah, because Bumrah also didn't play in that semi-final. He that's when he was injured, I don't think he played in the semi final. So, ये जो दो returns हैं ना, these are like the X factors for me in this match. इनकी जो performances होंगी, that will not decide, but it will dictate how kind of play evolves in this game. अगर अगरचे तो पहली बात वो game हो भी या नहीं, गायना में पता नहीं कितनी कोई 150% chance of rain है, तो you know if it happens or not, we don't know. But yeah.
आई थिंक इट वुड बी शदीद ट्रेजेडी होगी अगर ये मैच नहीं होता है, क्योंकि बहुत दिलचस्प दो टीमें हैं. ऑब्वियसली दे हैव दैट यू नो एक रिवेंज एंगल भी है, जिस तरीके से इंग्लैंड ने नंगा करके हाँ हराया था इंडिया को. या और आई थिंक मुझे जब रोहित के बारे में ये गुफ्तगू चल रही है आजकल, तो मुझे सबसे ज्यादा हैरानी हुई थी, बिकॉज यू नो आई हैव सीन रोहित बैट लाइक दिस अगेंस्ट पाकिस्तान सो मच दैट इट वॉज एक्चुअली अ बिट सरप्राइजिंग टू सी दैट ही हैजंट बैटेड लाइक दिस ऑल द टाइम. यू नो कि अगर 27 क्या कहते हैं 27 of 28 बॉल्स उसने बनाए सेमीफाइनल में, आई कैन नेवर इमेजिन रोहित हैविंग दैट इनिंग्स अगेंस्ट पाकिस्तान. तो एक तरीके में आई थिंक मेरा अपना इतना ट्रॉमा था दैट इट वाज काइंड ऑफ सरप्राइजिंग टू सी कि अच्छा जी रोहित और विराट पे भी इल्जाम लग रहे हैं कि वो सही तरह नहीं खेलते, क्योंकि हमारे खिलाफ बहुत ही अच्छा खेलते रहते हैं. एंड सो दैट वाज समथिंग. एंड आई थिंक द अदर थिंग इज यू नो ट्रोल रोल करते रहे और मोदी का पनौटी होना बोलते रहे, बट इंडिया हैज बीन सच अ गुड साइड. इट्स बीन अमेजिंग दैट दे हैवंट वन, क्योंकि अभी जब इनका मैच में ये देख रहा था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, यू नो अदर देन वो अर्शदीप जो था, द बॉलिंग इज जस्ट सो गुड. लाइक आप किसके खिलाफ रन बना रहे हो? मे बी यू नो जडेजा, आई थिंक समटाइम्स दे डिड गेट आफ्टर हिम विद द रिवर्स हिटिंग अंटिल ही गॉट द विकेट, बट बुमराह एंड अक्षर एंड क्या नाम है जो रिस्ट स्पिनर है, कुलदीप देव, यादव यस यादव, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप किसी के पीछे पड़ जाए. एंड ऑब्वियसली हमने इस टूर्नामेंट में खुद देखा है अच्छे अच्छे बॉलरों की धुलाई हुई है, बट एट द सेम टाइम लाइक आई थिंक व्हाट मेक्स इंडिया सो गुड एंड व्हाट शुड होल्ड देम इन गुड स्टेड, और इसीलिए इंग्लैंड के खिलाफ देखने में इतना मजा आएगा कि उनके बॉलरों को अटैक करना बिल्कुल भी आसान नहीं. बहुत अरसे से बात हो रही है कि बुमराह की वजह से अगली टीम के पास 20 की जगह 16 ओवर हो जाते हैं, बट आई थिंक द बिटवीन अक्षर एंड यादव इन पर्टिकुलर दे विल टेक अवे अ फ्यू मोर ओवर्स फ्रॉम देयर एज वेल. दे रियली रियली गुड बॉलर्स, और उस तरीके में लाइक आई जस्ट वांट टू सी लाइक दिस बिग ब्लॉकबस्टर काइंड ऑफ मैच बिटवीन दीस टू टीम्स. आई थिंक बहुत बहुत ट्रेजेडी होगी अगर बारिश में ये मैच हो जाए, क्योंकि दोनों सेमीफाइनल्स आर सो एक्साइटिंग. एक तरफ आपका साउथ अफ्रीका है विद जीरो पेडिग्री इन नॉकआउट्स, एंड अफगानिस्तान इजिली द बेस्ट या स्टोरी इन क्रिकेट सिंस लाइक 96 श्रीलंका. और दूसरी तरफ आपके पास ऑब्वियसली टू ऑफ द बिगेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड, टू ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट साइड्स, टू ग्रेट ग्रेट T20 साइड्स, और वन विच हैज एवरीथिंग टू प्रूव विच इज इंडिया ऑफ कोर्स, इंग्लैंड विच हैज हैड अ डिफेंडिंग चैंपियंस हैं एंड देव ऑल्सो हैड मे बी आई वुड आई डोंट वांट टू कॉल इट लाइक अ पाकिस्तान टूर्नामेंट, बट देव नो हैड अ डाउट, वन मिनट डाउन नेक्स्ट मिनट अप टाइप ऑफ टूर्नामेंट देमसेल्व्स. लाइक आई थिंक until the second round of group stages matches, जो पहले वो ग्रुप स्टेज थी उसमें इंग्लैंड लग रहा था कि वापस जाने वाले और काफी तनकीद हो रही थी. सो फॉर देम टू रियली फाइंड देमसेल्व्स एंड बी सो गुड गोइंग उस इन, वक्त बात हो रही थी, हेजलवुड ने जो बात करी थी कि हाँ क्यों ना हम रन रेट मैनिपुलेट कर दें स्कॉटलैंड के खिलाफ ताकि हाँ इंग्लैंड पे वापस चला जाए. अब देखो ऑस्ट्रेलिया कहाँ और इंग्लैंड कहाँ. बट यू नो द वन ग्रेट थिंग अबाउट व्हाट एवर हैपेंस इन दिस टू सेमीफाइनल्स इज दैट वी विल हैव अ फर्स्ट टाइम फाइनलिस्ट. एक तो आपका फर्स्ट टाइम फाइनलिस्ट होगा, चाहे वो अफगानिस्तान हो चाहे वो साउथ अफ्रीका. आई नो साउथ अफ्रीका 1998 के आईसीसी नॉकआउट टूर्नामेंट जीत चुके हैं जो कि उस जमाने का चैंपियंस ट्रॉफी होता था, लेकिन लेट्स नॉट काउंट दैट. आई थिंक वी विल हैव लाइक ईदर वे वी विल हैव अ फर्स्ट टाइम आईसीसी फाइनलिस्ट व्हिच कैन ईदर मेक फॉर अ ग्रेट फाइनल और इट कैन मेक फॉर लाइक अ रियल वॉक ओवर काइंड ऑफ के यार बस ये तो यू नो नो आई थिंक एक्चुअली जो ज्यादा मजेदार चीज है कि ओडीआई वर्ल्ड कप में ये बड़ा मसला होता ला रहा है कि आपके पास एक फाइनलिस्ट होता है जो अपने मुल्क की एक गोल्डन जनरेशन है जी, श्रीलंका 2007, इंडिया 20 व्हिच वन लेट्स गो विद 23 बट पिक इंग्लैंड 2015, और दूसरी तरफ वो मनहूस कुत्ते ऑस्ट्रेलियन खड़े होते हैं. यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि अगर साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान जाता भी है फाइनल में तो वो हारेगा तो इंडिया या इंग्लैंड से हारेगा, विच ऑब्वियसली वुड स्टिल सक, बट इट्स स्टिल बेटर देन फ्रिकिन ऑस्ट्रेलिया विनिंग इट. तो मतलब मुझे इस बात का दुख भी नहीं होगा कि अगर ये बिग थ्री से जीत जाती है, क्योंकि एटलीस्ट इट्स नॉट द सेम ओल्ड स्टोरी ओवर एंड ओवर अगेन. लाइक आई थिंक इवन अगर खुदा ना खास्ता वन साइडेड फाइनल होता है,
I think England is probably the least interesting winner. India, of course, has been waiting for a trophy for 10 years. Obviously, South Africa, Afghanistan, first time ICC finalist होंगे. तो इंग्लैंड पे सबसे कम मजा आएगा. बट अगेन, इंग्लैंड इज अ रियली फन साइड टू वॉच ऑल्सो. तो या आई रियली होप द फाइनल जस्ट. जस्ट टू कट इन क्विकली, इंग्लैंड के साथ ये मजा एटलीस्ट होगा कि एक तो टू टाइम्स डिफेंडिंग चैंपियंस हो जाएंगे, विच इज इन सेल्फ लाइक अ फीट. यू एस्टैब्लिश देम एज अ ग्रेट T20 साइड, बट ऑल्सो जोफ्रा आर्चर एंड क्रिस जॉर्डन विनिंग इन द वेस्ट इंडीज होम ग्राउंड, दैट्स गोना बी लाइक अ डिफरेंट लेवल ऑफ लाइक, दैट्स अ रेजोनेटिंग स्टोरी, राइट? दैट इज अ स्टोरी दैट वी कैन ऑल गेट बिहाइंड. पूरे टूर्नामेंट में देखते हुए आ रहे हैं. कल वो एरन जोन्स जो US का प्लेयर है, उसने तस्वीरें ट्वीट करी हैं ऑफ हिम एंड जोफ्रा, बिकॉज दे वर बोथ टुगेदर इन बारबाडोस ग्रोइंग अप ओवर द इयर्स. रियली स्वीट पिक्चर्स टू सो टू सी समबडी लाइक जोफ्रा एंड क्रिस जॉर्डन, लेट्स नॉट फॉरगेट हिम, टू विन अ टूर्नामेंट देयर, इट वुड बी लाइक एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग. इट वुड बी, एंड इंग्लैंड का हम जितना भी मजाक उड़ाते हैं, उनकी तुम डाइवर्सिटी देख लो टीम में. आदिल खेल रहा है अभी भी, मोइन अली खेल रहा है अभी भी, जोफ्रा और क्रिस जॉर्डन दोनों है, चार आपके ये प्लेयर हो गए. आपका जो कैप्टन है वो भी प्रॉबली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट व्हाइट बॉल बैटर्स ऑफ ऑल टाइम जाएगा, लाइक देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट दैट. दे हैव आउटस्टैंडिंग हिलेरियस कैरेक्टर फास्ट बॉलर इन मार्क वुड. दे हैव एक्चुअली लाइक अ प्रीटी लाइकली एंड लाइकेबल एंड इंजॉयबल टीम, एंड लाइक यू से गुड टू वॉच. नो बट लाइक यू से देयर गुड टू वॉच टीम, उनके काफी प्लेयर्स ऐसे हैं हु आर लाइक इंटरेस्टिंग एंड फन टू वॉच, यू नो, इन अ क्रिकेट गेम. फिल सॉल्ट यार इज गोइंग थ्रू अ period of like just great opening batting right now, like the very definition personification of what opening batting in T20 should be, you know. So they're interesting to watch that way, and I think that'll still be like England भी अगर जीतता है तो उसमें उस कहानी में भी हम थोड़ी सी खुशी उस कहानी से हम लोग ले सकते हैं. आई थिंक जो एक और मुझे इस टूर्नामेंट में बड़ी हंसी आ रही थी कि एक तो रोहित की ट्रांसफॉर्मेशन पे अभी हमने खुद भी बात की, कि इल्ज़ाम यही था कि जी रोहित और विराट जो हैं वो बहुत स्लो खेल रहे हैं या एंकर्स की तरह खेल रहे हैं वगैरह वगैरह. और फिर इंग्लैंड के मैच में जब इन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ चेज किया है तो एंड दे चेज दैट टारगेट विद लाइक आई डोंट नो 4 ओवर्स और 3 ओवर, व्हाटएवर, प्लेंटी ऑफ ओवर्स टू स्पेयर. और उसके बाद फिल सॉल्ट कहता है कि जी मैं एंकर इनिंग्स खेल रहा था एंड ही हैड लाइक 87 और 42 और समथिंग. बट व्हाट आई वाज इंटरेस्टेड इन इज के बोथ रोहित एंड फिल सॉल्ट एंड अ फ्यू अदर गाइस हैव डन दैट एंकर स्टार्ट. आई थिंक जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें कर रहे हैं, एंड बोथ द अफगान एंड पाकिस्तान ओपनर्स डेफिनेटली कैन गो अप अनदर गियर. बट रियली व्हेन यू सी रोहित एंड फिल सॉल्ट टाइप असॉल्ट, वहां पे आपको नजर आता है कि अच्छा, अगर आपको एंकर बनना भी है तो यू नीड टू हैव दिस फिफ्थ सिक्स्थ गियर इन योर बैग. ऐसा नहीं कर सकते आप कि जी 120 से आप बस 140 पे चले गए, एक सौ लाइक यू नो इस तरीके से वो सॉल्ट एंड रोहित गो फ्रॉम लाइक एट स्ट्राइकिंग एट लाइक मे बी 120 130 टू 200 एट द एंड ऑफ द इनिंग्स. वो अगर आप एक्सेलरेशन ला रहे हैं वहां पे, ऑब्वियसली यू नो देयर इज अ लॉट मोर नुआंस टू इट, मगर एंकरिंग की भी जो आपकी तसव्वुर है उसको थोड़ा आपको यू नो रियली हैव टू एक्सपैंड इट, बिकॉज इफ यू आर टेकिंग दोज मेनी बॉल्स इट्स रियली एट द एंड what is the level of acceleration you're looking to hit? Then you're not really even looking to hit like four boundaries in an over. You're looking to hit three sixes in an over. Or Yeah, wo, and I you know think. the great thing about the really revealing thing Rohit की batting में जो नजर आता है वो ये है कि देखो रोहित की अब क्या है, he's like 35, 36, maybe more. How old is Rohit Sharma? Rohit Sharma is he is 37. Okay, he's 37 years old. उसने पूरी जिंदगी अपनी जो बैटिंग करी है ना, vast majority of his career he's done it very much under the Mumbai school of batting, you know, that kind of correct, technically correct. हालांकि हमेशा से थोड़ा सा आउटसाइडर था उसमें भी वो, Yeah. बिकॉज शुरू में लोग समझते थे कि बहुत मारू है, ये लपेड़ू है, टेपिया टाइप प्लेयर है, लेकिन ही इज मोस्टली बैटेड विद दोज स्ट्रिक्चर्स काइंड ऑफ ऑन हिम एंड ही इज प्रूवन हिज स्किल इन दोज फॉर्मैट्स. ओडीआई में तो इज एन ऑल टाइम ग्रेट, जीरो डाउट अबाउट दैट. टेस्ट में ही स्कोर्ड सम इम्पोर्टेंट सेंचुरीज अब्रॉड अवे फ्रॉम होम, इंग्लैंड टेस्टिंग कंडीशन में उसने करा है, ही इज बिल्ट अप अ टेस्ट टेस्ट रिकॉर्ड. लेकिन वट ही इज डन इन T20s, ही इज नॉट लाइक, उसने अपनी गेम चेंज नहीं करी है. उसके शॉर्ट्स वही हैं जो उसकी स्ट्रेंथ हमेशा रही है ना, इनसाइड आउट ओवर कवर, पुल शॉट, ड्राइविंग, उसकी वो स्ट्रेंथ अभी तक वही है. ही इज नॉट क्रिएटिंग न्यू शॉर्ट्स, ही इज जस्ट, वट ही इज डन इज ही हैज शोन इंटेंट. आई नो हम लोग इसका
drum, we keep hitting this drum all the time, keep beating it, beating it, beating it. It literally all he's done is shown intent कि मैं खेलूंगा, मैं ऐसे ही मारूंगा, और उसमें अगर आप एक दो बार आउट भी हो जाएं तो ठीक है, उसमें आपके एक दो इनिंग्स में आपके एजेस लगेंगे, वो छक्के पे जाएंगे और फिर आपकी ऐसी स्टार्ट हो जाएगी कि यू नो यू आर जस्ट अ डिफरेंट प्लेयर. इट्स जस्ट लिटरली शोइंग 150% इंटेंट कि बस मैं अब जाके मुझे ऐसे ही खेलना है विद द ऐसे सेम में एक शॉट. और का जिक्र करना चाहूंगा, एंड आई माइट बी रॉन्ग क्योंकि मैं इतनी गौर से इंडियन क्रिकेट नहीं देखता, बट आई फील समथिंग दैट स्टूड आउट टू मी आल्सो वाज कि जी इस आईपीएल के बाद हार्दिक पांड्या हैज बीन, यू नो, एक तो वैसे उसका फॉर्म बिल्कुल तबाह हो गया था, बट उसके अलावा उसने मतलब जो मौका मिला है फील्ड पे, ही इज प्लेड आउट दैट ड्रामा एज वेल, कि उसकी हर सेलिब्रेशन और ये और व्हाटएवर, लाइक ही इज बिन थ्रोइंग अ स्ट्रॉ दिस इंटायर टूर्नामेंट, एंड यू नो कि ठीक है उसके साथ भी बड़ा, लाइक यू नो द लेवल ऑफ स्क्रूटनी दैट इंडियन क्रिकेटर्स फेस इज अनप्रेसिडेंटेड, और क्लियरली यू कैन सी दैट इट्स टेकन अ बिग टोल ऑन हार्दिक पांड्या, हु बिफोर दिस वाज सीम टू बी वन ऑफ द मोस्ट कॉन्फिडेंट क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड, सम डेफिनेटली ह्यूज ईगो, लॉट ऑफ स्वैग, एंड इट्स सीम लाइक दैट आईपीएल सीजन रियली ड्रैग्ड हिम डाउन. आई फील उस लाइट में रोहित, द फैक्ट दैट ही हैड दैट हॉरिबल 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप, देन ही हैज दिस लाइक वेरी कंफ्यूजिंग आईपीएल वगैरह, आई थिंक इस बात के भी उसको क्रेडिट देना चाहिए कि ही हैजंट लेट एनी ऑफ दोस डिस्ट्रैक्शंस अफेक्ट हिज गेम, राइट? लाइक इन अ लॉट ऑफ वेज इफ यू लुक एट इट, ही हैज हैड दिस शॉकिंग डिफीट एज कैप्टन इन द ओडीआई वर्ल्ड कप, एंड देन ही हैज हैड फाइनल दिस लॉस्ट हिज आयरन ग्रिप ओवर द आईपीएल, एंड नाउ ही इज कमिंग टू दिस टूर्नामेंट जहां सब कह रहे हैं कि भाई हम इनकी वजह से ही हम हार रहे हैं, रन नहीं बनाते ऊपर, और ये वो, इसको कप्तानी से हटाओ, ब्ला ब्ला, दैट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर टू बी डीलिंग विद, एंड रोहित हैजंट लेट यू फील इवन फॉर अ सेकंड दैट इट्स अफेक्टेड हिम. जिस तरीके से उसने एफर्टलेसली ओडीआईज में भी एंड T20s में भी ही इज रेज द बार, अगेन यू कैन सी कोहली स्ट्रगलिंग विद इट, यू कैन सी हार्दिक पांड्या स्ट्रगल विद ऑल दैट स्क्रूटनी, रोहित इज हैंडलिंग बोथ ऑफ दोज थिंग्स एंड हैंडलिंग इट रियली रियली वेल. You know the big thing on that, and Pandya's actually had a good tournament, by the way. Pandya, he's been one of the stories in that. After all the booing that he got, उसकी तो यार nationwide booing हुई थी IPL में, जहां भी वो जाता था उसकी बोली थी. I feel like इस टूर्नामेंट में ही इज ऑलमोस्ट काइंड ऑफ गिविंग इट बैक, यू नो. He is, and the thing I think that has helped them both, and this again I speak with specific reference in comparison to Pakistan, is के and this is not the only difference, of course, but this is a crucial difference, is इन दोनों को स्टेबिलिटी है, इनकी बैकिंग है. रोहित नोज कि यार मेरा जिस तरह से भी आईपीएल गया है, उससे हम लोग वर्ल्ड कप फाइनल हारे हैं इंडिया से, ऑल्दो रोहित हैड लाइक अ ग्रेट ओडीआई टूर्नामेंट, वर्ल्ड कप टूर्नामेंट, लेकिन जो भी हुआ ना, ही नोज कि यार द्रविड़ जो मेरा कोच है, हु इज विद मी, एंड अजीत अगरकर हु आर द कोच, हु आर द सेलेक्टर्स, वी आर ऑल ऑन द सेम पेज. Not only on the same page, but we are all here. We are not going anywhere. अभी जो लिस्ट सर्कुलेट हुई थी सोशल मीडिया पे कुछ दिन पहले कि पाकिस्तान के एक पिछले एक साल में कितने सेलेक्टर्स हो चुके हैं, कितने कोचेस हो चुके हैं. यू नो, बाबर अगर चाहे भी खेलना एक स्टाइल से, तो यार वो कितने कोचेस के साथ डील करेगा, कितने सेलेक्टर्स के साथ डील करेगा, कितने प्लेयर्स के साथ डील करेगा, उन्हें बताने के लिए कि यार ये हमारा स्टाइल है. अच्छा, आप इस साल के 50वें प्लेयर हो मेरे, और छठे कोच हो, और आठवें सेलेक्टर हो. अच्छा, मैं आपको फिर से समझाता हूं कि हम लोग इस तरह से खेलना चाह रहे हैं. यू नो, रोहित डजंट नीड टू डू दैट. एवरीवन, नो मैटर हाउ व्हाट यू थिंक ऑफ द बीसीसीआई एडमिनिस्ट्रेशन, नो मैटर व्हाट यू थिंक ऑफ इंडियाज पावर इन क्रिकेट, द बेसिक पॉइंट इज कि उन्होंने स्टेबिलिटी ला दी अपनी गेम में, कि यार ये हम इस तरह से खेलेंगे, हम इन्हें बैक करेंगे इस हद तक. छोटे मोटे ऑब्वियसली चेंजेस होंगे, छोटे मोटे इश्यूज चलेंगे विद प्लेयर्स एंड स्टाफ, लेकिन कैप्टन जिस तरह से खेल रहा है उससे कोच भी खुश है, देर ऑन द सेम पेज, सिलेक्टर भी खुश है, एवरीवन ऑन द सेम पेज, जो कि आपको यू नो, एंड नाउ यू सी द रिजल्ट्स ऑफ दैट, यू सी द रिजल्ट्स ऑफ दैट कॉन्स्टेंटली इन टूर्नामेंट आफ्टर टूर्नामेंट आफ्टर टूर्नामेंट आफ्टर टूर्नामेंट आफ्टर टेस्ट सीरीज आफ्टर एवरीथिंग, विच इज समथिंग दैट यू जस्ट डोंट गेट, एंड यू सी दैट स्टेबिलिटी जहां भी आपको स्टेबिलिटी नजर आती है. आई नो बिग थ्री में ऑब्वियसली द मनी and the fact that they play each other and the fact that the whole game is geared towards making them, I know all of that plays a huge role in this, lekin ek thoda sa jo aap, you know, the small one percentages that you can kind of, little things that you can change and get, draw the best, like New Zealand, you know, if you bring that stability, New Zealand doesn't have the money,
But the reason it's able to fight, one of the small things behind the reasons they're able to fight every tournament, is because they have some basic stability and structure in the way their cricket is run and the way it's played. I think the biggest example, abhi jo maine bataya tha, coaches, kitne coaches Pakistan ke, kitne selectors aaye, usme aap, you know, beech mein hamare dost Rehan ul Haq ne ek Pakistan way bhi shuru ijaad kara tha, aur ek saal bhi nahi hua hai us Pakistan way ko, ki wo aa chuka hai aur ja chuka hai, discard ho chuka hai, bin mein phek chuka hai, sab kuch ho gaya hai uske saath, you know, and it's gone. Wo agar way kahin aur aata na, bass ball abhi tak chal raha hai, bass ball hi pe chal raha hai. India mein wo style, Rohit abhi bhi wahi khel raha hai, koshish wahi kar raha hai. New Zealand जिस स्टाइल पे लगे हुए हैं केन विलियमसन कह रहा है वही खेल रहे हैं, यू नो, बस पाकिस्तान सिर्फ ऐसा मुल्क है या श्रीलंका ऐसा मुल्क है या बांग्लादेश ऐसा मुल्क है जहां कमबख्त एक कोई स्टेबिलिटी मिलती नहीं है आपको, तो आपके साथ यही होता है बेसिकली. आई मीन आई थिंक वहां पे वापस आते हैं कि ये पाकिस्तान श्रीलंका ऐसे ममालिक का, वही अफगानिस्तान के साथ भी हो रहा है, राइट, कि विद दीस कंट्रीज दे कैन, दे आर नॉट सुपर फ्लेक्सिबल. ये एक अगर स्टेबिलिटी आती है तो ये एक तरीके से खेलना शुरू कर देते हैं, विच अफगानिस्तान हैज बीन डूइंग, एंड दैट दे आर गुड इनफ एंड टैलेंटेड इनफ दैट इफ द चिप्स फॉल इन देयर वे देन दे कैन विन टूर्नामेंट्स. बट वही है कि आई थिंक इफ यू वांट टू बी अ टीम लाइक इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो मौके के लिहाज से अपने आप को री इन्वेंट कर सकते हैं, देन अगेन यू नो यू नीड दैट स्टेबिलिटी. इवन न्यूजीलैंड हैज दैट बिकॉज वो एक स्टेबिलिटी आती है. बट ऑब्वियसली ये तो मैं पता है कभी पाकिस्तान ऐसे मालिक में नहीं आएगी. अफगानिस्तान में जॉनथन ट्रॉट कोच हैज बीन कोच सिंस जुलाई 22, उसे भी 2 साल हो गए जॉनथन ट्रॉट को. मोस्ट स्टेबिलिटी, एक कांस्टेंट मैसेजिंग अभी भी चल रही है वहां. जुलाई 22 से पाकिस्तान में कोई 5 कोचेज आ चुके हैं. नहीं, अगर पाकिस्तान का भी जो आप अच्छा ऐदा देखें तो यू हैड लाइक व्हाट 3-4 ईयर रन फॉर वसीम खान एंड को, which was also coincided with a pretty decent run for your teams. I think Rambo took over by the time those 2 T20 runs happened. But once Rambo's fully in charge and then once everybody else is there, you can see the effects of that instability on the team. But to wrap up this episode, what do you expect the final to be and the winner? And what do you hope the final and winner? I hope the final to be Afghanistan versus anyone and for Afghanistan to win. Yeah. I hope. It might not happen. I expect the final to be England versus South Africa. Ooh. तो बारिश भी नहीं होगी और इंग्लैंड हरा भी देगा इंडिया को. Big, big claim. बारिश नहीं होती तो इंग्लैंड, I think, for me also are slight favorites. They've won in more ways than India has in this tournament, magar barish ka bhi khatra hai. Aur dusra ke matlab, man, in India Afghanistan final that Afghanistan wins, kya matlab, kya kahani hai, kya kahani, strategic that depth be, tumhari aisi bhi aisi, that would be truly, the strategic depth final, no. Yeah, strategic depth final ke ilawa matlab, just as cricket teams, They're a really fascinating counterpoint to one another. Or obviously they have played, you know, IPL mein itne Afghan khel chuke hain ki ek dusre ko jante bhi hain. You know, the likes of Nabi and Rashid have been up against all these guys in pressure situations before. So mujhe I think wo ye ki Afghanistan ye semi-final jeet jaye inshallah. And I'd love to see an India Afghanistan final would be incredible. But at the very least, I think main dua ye karunga ki at least barish se koi bhi effect. These are great lineups in the semi-final. Can I tell you, I've got like a bag full of jokes to make about India Afghanistan in a final and a certain institution in Pakistan, but I don't think hum log kis tarah ke mazak kar sakte hain. toh nahi karenge aur. We'll leave it to your imagination. WhatsApp group with uncles who will love all of those jokes, so you can save them for that. No, man, these are jokes for non-uncles also. Oh, wow. Okay. Take care. Usman, agar final mein jeetta Afghanistan, to Usman aapko apne ye jokes share karenge. I don't want to sign off on them right now. But that's it for this week on Butterfast. When we come back next time around, there will be a new
Or they might not be a new, but England agar jeet jata hai, but they'll definitely be a champion of this tournament. And we'll talk about that tournament in detail. Or jo kuch bhi Pakistan mein hoon, patang harkatein ho rahi hongi. Till then, take care. Khuda. ना खड़का सोने सीधा अंदर आ।